आज बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आज फिर तेल के दाम बढ़ चुके हैं, तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की पार मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो लगातार आपको ये भी रूबरू करवाते जा रहे हैं। 35 पैसे प्रति लीटर यहाँ महंगा हुआ है, और डीजल की बात करें तो 25 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हुआ है। तो लगातार महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार आग लगती हुई नजर आ रही है। तो यहां आम जनता के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पेट्रोल की बात करें तो 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जो काफी ज्यादा अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि कल भी दाम बढ़ाए गए थे और आज फिर से महंगाई अपनी चरम सीमा पर तो है ही, साथ में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कई राज्यों में तो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। यहां आम आदमी की चिंता बढ़ना काफी ज्यादा लाजमी है। पेट्रोल की बात करें तो 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, और यहां आग लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महंगाई की मार अब आम जनता पर सीधे तौर पर पड़ रही है। आपको बड़ी और अहम खबर की जानकारी अब तक पहुंचा रहे थे। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। डीजल की बात करें तो 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, और पेट्रोल की बात करें तो 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, और कई राज्यों में 100 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल, जो अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय है। देखिए, जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारों को भी कोई अहम कदम उठाना होगा। अब फिलहाल तेल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। डीजल की बात कर लेते हैं, तो डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, और कल की बात करें तो कल भी पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था, और कई राज्यों में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, जो अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आम जनता हो, युवा हो, व्यापारी हो, सभी के लिए चिंता का विषय है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पर बोझ पड़ता जा रहा है पेट्रोल डीजल का, आज भी फिर दाम बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बता रहे जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए जनता बिल्कुल परेशान है। जी, अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानियों के साथ साथ घर की जो रसोई है उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती चले जा रही है। जी हाँ, सही कहा राजीव आपने कि रसोई पर साफ तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं, रसोई पर भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि महंगाई भी चरम सीमा पर है। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों की बात करें तो लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, और यहाँ तक की सरकारें अब कुछ भी नहीं कर रही है। केंद्र सरकार अपना चार्जिंग ले रही है, जीएसटी ले रही है, मगर राज्य सरकारें हैं वो अपना चार्जिंग कर रही है, मगर जनता के बारे में कोई भी सरकार सोचती हुई नजर नहीं आ रही है। राजीव, सही कहा आपने, राज्य सरकार कोई कदम उठा ही नहीं रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए नहीं जा रहे, आम आदमी की चिंता बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। फिलहाल क्या कुछ समाधान निकालना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसे लगातार जो सरकारों की तरफ से समाधान होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, राहत होनी चाहिए थी, अपने अपने जीएसटी चार्जिंग के अंदर कुछ राहत दी जाए जनता को, ताकि जो महंगाई की बोझ है वो कम से कम हो सके, मगर अभी तक ना तो राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार दोनों की तरफ से जनता के बारे में कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। सही कहा आपने कि ना तो राज्य सरकार सोच रही है, ना ही केंद्र सरकार सोच रही है, आम आदमी पर लगातार बोझ बढ़ता ही जा रहा है, चाहे युवा हो, व्यापारी हो, हर कोई यही बात सोच सोच के परेशान है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जनता परेशान होती नजर आ रही है, और जनता जो है वो सरकारों को चार झुटका भी दिखाने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से नाराजगी के साथ साथ सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के समय ध्यान रखती है जनता का, मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के अंदर ही कहीं ना कहीं सरकारों को अपना रूप दिखाएगी। जी राजीव, क्या है कि आम जनता का भी यही कहना है कि ये कुछ राजनीति के पहलू भी हो सकते हैं,
कि जब चुनाव आने लगते हैं तब पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए जाते हैं, और चुनाव जब खत्म होते हैं नतीजे सामने आते हैं तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से लगातार जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पेट्रोल डीजल के दाम सरकारों के हाथ में होते हैं, सरकार अपने आप उसे घटा देती है, मगर चुनाव जाते हैं या फिर इस तरीके की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है, मगर सरकारें बार बार ये कह देती है कि तेल कंपनियां जो हैं उनके आधार पर दाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जब चुनाव के समय जब रेट घटाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारों के हाथ में होता है, मगर जनता बिल्कुल परेशान है और जनता यही चाहती है कि सरकार या तो राहत दे या फिर उनके लिए जो महंगाई है वो कम कर सके। जी बिल्कुल राजीव, सरकार को अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा क्योंकि अहम कदम भी उठाने पड़ेंगे क्योंकि आम जनता काफी ज्यादा नजर आ रही है चिंता में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।